कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंघावा की सीएम और मंत्रियों के साथ की गई मैराथन फीडबैक बैठक में प्रदेश में चुनावी साल में थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले कराने पर सहमति बन गई है। गुरुवार देर रात तक चली बैठक में मंत्रियों ने सरकार रिपीट कराने पर सुझाव दिए तो कई बार आपस में नोक झोंक भी हो गई। वहीं मीटिंग में 30% मंत्रियों के टिकट काटने के भी सुझाव आया। बैठक में थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों पर बैन हटाने पर सहमति बन गई है। साल 2016 के बाद भर्ती हुए थर्ड ग्रेड टीचर के तबादले होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के सुझाव आने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कालरा से ट्रांसफर कराने को कहा है। ट्रांसफर को लेकर मंत्रियों की अलग अलग राय थी। स्वास्थ्य मंत्री सहित अधिकांश मंत्रियों ने थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर कराने की पैरवी की। मुरारी लाल मीणा, विजय सिंह ओला सहित कुछ मंत्रियों की राय थी कि इन ट्रांसफर को फिलहाल नहीं खोला जाए। ज्यादातर मंत्री ट्रांसफर के पक्ष में थे। गहलोत ने शिक्षा मंत्री से कहा कि जब सर्वसम्मति है तो ये ट्रांसफर होने चाहिए और पहले की तरह ही हो। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंघावा ने थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर के लिए किसी भी तरह की नई पॉलिसी नहीं लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इससे तो पंजाब में हमारे खिलाफ माहौल बन गया और सरकार चली गई। ये ट्रांसफर बिना पॉलिसी का इंतजार किए होने चाहिए। मंत्रियों की बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट के खेमों के बीच जारी विवाद को चुनाव से पहले खत्म कराने का भी सुझाव दिया गया। मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा कि खेमेबाजी और टॉप लेवल की गहलोत पायलट की लड़ाई को पहले खत्म करवाने का मैसेज जाना चाहिए। इस पर रंघावा ने कहा कि पंजाब में इन फाइटिंग होने के बावजूद 7 मंत्री जीते थे। मंत्री सलेम मोहम्मद ने जब सुझाव देने शुरू किए तो उनकी बात काटकर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि आप तो पहले जैसलमेर का झगड़ा सुलझाने पर जोर दीजिए। आपका और विधायक रूपा राम का झगड़ा मिट जाए तो दोनों जीत जाएंगे, नहीं तो दोनों के सामने दिक्कत है। बैठक में मंत्रियों से सरकार रिपीट कराने के उपाय पूछे गए। मंत्री उदयलाल अंजना ने और राजेंद्र यादव ने 30% मंत्रियों के टिकट काटने का सुझाव दिया। 30% के हिसाब से 10 मंत्रियों के टिकट काटने का सुझाव दिया। इन मंत्रियों को कहा गया कि हारे हुए उम्मीदवारों की सीटों पर बहुत पहले टिकट तय कर देने चाहिए थे। चुनाव से काफी पहले जिन्हें टिकट देने हैं उन्हें इशारा कर दीजिए ताकि वह काम कर सके। जब चुनाव के नजदीक टिकट काटोगे तो नुकसान होगा। कांग्रेस प्रभारी रंघावा की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला छाया रहा। इस मुद्दे को आधे घंटे तक चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक पर विपक्ष से पहले हमारे ही लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे, यह सुसाइड है। हमारे ही लोग खिलाफ बोलेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा। इसी के साथ गहलोत पायलट पर रंघावा बोले कि 5 स्टार में नहीं बैठा हूं, कहा 2 दिन में होगा संगठन में नियुक्तियां। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी कोल्ड वॉर पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंघावा ने जल्द विवाद सुलझाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विवाद काम मेरा है, उनका नहीं है। मैं 5 स्टार होटल में नहीं बैठा हूँ, लोगों के बीच बैठा हूँ, विवाद भी सुलझा लेंगे। दरअसल गुरुवार रात को फीडबैक बैठक के बाद शुक्रवार को रंघावा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से कहा कि मेरा पहला काम संगठन को मजबूत करना है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।